नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। वाद संवाद लेकर हाजिर हूं मैं मुकुल शर्मा। जी तोड़ मेहनत के बाद किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी फसल खेतों में लहला रही हो और उस पर आने वाले समय में उसका उचित दाम उसको मिल सके। लेकिन मौसम और जलवायु परिवर्तन का असर हमारे वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी और फसलों पर पड़ रहा है। पहले की तुलना में अब की फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही फसलों की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि कृषि विशेषज्ञ फसलों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। हाल के दौरान दिल्ली में बिम्स्टेक देशों की शिखर वार्ता में भी ये मुद्दा छाया रहा। इस वार्ता में खेती बाड़ी को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के तरीकों पर गौर किया गया। आज का वाद संवाद भी इसी पर समर्पित है और विषय है खेती और जलवायु परिवर्तन। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। पूसा स्थित पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु समुत्थान कृषि केंद्र के प्राध्यापक डॉक्टर सूर्य नरेश कुमार जी, संभाग में ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध शर्मा जी और भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही स्वागत करते हैं स्टूडियो में मौजूद दूर दूर से आए किसानों का भी। और आइए अब वाद संवाद का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जलवायु परिवर्तन अब एक मुद्दा नहीं बल्कि चुनौती है। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है बल्कि खेतों में पैदा हो रही फसलें भी इससे प्रभावित हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव और बारिश का असमान वितरण बड़ी समस्या है। तापमान के हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसके अलावा मक्के का भी उत्पादन 2050 तक 18% कम होने की आशंका जताई जा रही है। इसी तरह दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति पर सीधा प्रहार करेगा। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की व्याख्या की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अगर इसमें सुधार के प्रयास नहीं किए गए तो सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 3.4 से 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जलवायु परिवर्तन पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 अभी तक के मौजूद रिकॉर्ड में चौथा सबसे गर्म साल रहा है। बाकी तीन साल 2015, 2016 और 2017 हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 22 में से 20 साल दुनिया के अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। भारत की ही बात करें तो सन 1900 की अपेक्षा यहाँ का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरह का प्रभाव या असर हम मान सकते हैं जलवायु परिवर्तन का कृषि क्षेत्र पर या हमारी खेती पर, हमारी फसलों पर पड़ने लगा है। लेकिन इसी से बचाने के लिए लाख कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सुरानिश आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन को, अगर हम देखते हैं सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है किस तरह का असर हम मान सकते हैं कृषि क्षेत्र पर इसका हमें नज़र आ रहा है और आखिर ये है क्या। जलवायु परिवर्तन अगर आप देखें तो 1700 से अभी तक देखा गया तो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है वो तेज़ी से आ रहा है। खासकर 1990 से ये मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आज तो हम जानते हैं, सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के वजह से हमारा फसलों के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका मूल रूप से ये है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा जो है, पहले अभी तक जब से ज़मीन बना है
जब से पृथ्वी बनी है तब अभी तक 280 से कभी ऊपर नहीं गया था, लेकिन अब आजकल 410 हो गया है इसका मात्रा। और इसके साथ साथ आपका मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये सब बढ़ते आ रहा है जी। इसके वजह से इसका वजह ये है कि एक तो हम लोग जंगल को काट लिया, दूसरे तरफ हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारा प्रदूषित गैस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ जी। उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स और भी ऑक्साइड्स हो गया, और भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो ब्रोमोकार्बन्स, बहुत सारा कार्बन्स जो है जी एटमॉस्फेयर में जब एक्युमुलेट होते गया तो इसका, और साथ साथ में ओजोन भी बढ़ रही है, हमारा ट्रोपोस्फियरिक ओजोन बढ़ रही है, और जो जो इसका H2O का मात्रा भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ जब तापमान बढ़ जाता है, तापमान इसलिए बढ़ता है कि ये पूरा गैसेस जो बोलते हैं, ये जो बोला गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस हो, ये ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से हमारा तापमान बढ़ जाता है जी। तो तापमान बढ़ने से एटमॉस्फेयर में एक कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर का। उसके साथ साथ जब एक तो ड्राउट्स आ जाते हैं, सूखा पड़ जाती है उसके, और जब बरसात होती है तो इतना तेज़ी से होती है कि हमारा फसल के ऊपर बहुत नुकसान होती है। ये खास परिवर्तन यानी हम देख सकते हैं, लेकिन इनसे बचाने के लिए अगर बात की जाए, इस बारे में यहाँ डॉक्टर दिनेश आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब बात की जाती है इसके असर की, इसके प्रभाव की, लगातार हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर यह बात कही जाती है कि ज़्यादा असर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम देखें वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए, काफ़ी प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ा है। प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए या उपजाऊ क्षमता की बात हम करें, किस तरीके से आप इसका असर देख पा रहे हैं? जी, आपने सही कहा कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे शोध संस्थान हैं भारत सरकार के मार्गदर्शन में इसमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, नई नई किस्मों का विकास किया जा रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम कैसे बेहतर प्रकार से प्रबंध करें ताकि हम उनकी क्षमता को बढ़ा सकें जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाना है ताकि किसानों को हम सही समय पर सही इनपुट मुहैया करा सकें और वो जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ सकें। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि आप सही समय पर और सही दिशा जो है वो देने की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए लगातार हम मान सकते हैं कि पुरजोर कोशिशें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। इस बारे में अनिरुद्ध जी आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वर्षों से आप भी इसको कवर करते आए हैं, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं और क्या आपको लगता है कैसे हम इससे निजात पा सकेंगे? अभी पहले एक दफ़ा एक अंतर्राष्ट्रीय जनरल के हवाले से ये खबर आई, ये शोध आया कि लगभग इस पूरे दशक के खत्म होते होते 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी जी। तो उसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि जो इसका असर ये रहेगा कि हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और जो समुद्र स्तर बढ़ सकता है, तो उसका असर ये पड़ेगा कि पूरा कोस्टल एरिया पानी में समा सकता है, और जो खासकर हमारा उत्तरी राज्य है हमारे भारत के, उनमें ग्लेशियर चूंकि पिघलने लगेंगे तो पूरे बारहमासी जो पानी रहता है वो नहीं रहेगा शायद जी। तो अब ये केवल अनुमान है, अब और इस ये अनुमान हमारे कुछ अनुभवों के जरिए हुआ कि जिसको हम 3 डिग्री बढ़ा हुआ तापमान बोल रहे हैं वो दरअसल एक औसत तापमान है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो 3 डिग्री ही बढ़ेगा और हर जगह ऐसा ही होगा। ये तापमान में बढ़ोतरी बहुत लंबी, कहीं बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम, तो ये औसत उसका पड़ेगा। तो हमारे जो बीते सालों के, खासकर पिछले 30 सालों के जो अनुभव हैं उसमें हमने देखा जो तापमान बढ़े और उसके जो असर पड़े, तो तापमान बढ़ने का सीधा असर जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बहुत तेजी से बारिश आ जाएगी या एकदम सूखा पड़ेगा। तो अब सवाल तो ये आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा, मतलब कि उसका अगर सूखा पड़ने वाला है या सूखे की स्थिति आएगी तो आप उसका क्या उपाय निकाल सकते हैं, वो एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर है जी। तो आपको उस जो इन्होंने उसके कारण बताए उसके वो ढूंढने हैं, मतलब उसके उपाय करने हैं। जैसे कार्बन उत्सर्जन हमें कम करना है, तो कार्बन उत्सर्जन दरअसल हम बात कर रहे हैं खेती की जी। तो खेती की वजह से कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ, कार्बन उत्सर्जन तो जो हमारा
यानी जो दूसरे कारण है जो कारण है उसकी वजह से, तो दरअसल करने वाला कोई और है और भरता कोई और है, उस तरह की कुछ स्थिति है। बिल्कुल, यानी करने वाले कोई और भरने वाला कोई और, जो समस्या का सामना कर रहा है वो हमारा अन्नदाता, जहाँ पर उन्हें अपनी लागत जो है वो बढ़ानी पड़ जाती है। इस बारे में कृष्णवीर जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बाढ़ की बात करते हैं, सूखे की बात करते हैं, तो सीधे तौर पर एक किसान ये कहता है कि ये समस्या तो पहले भी थी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के असर से हम स्थिति देख पा रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति जो है वो ज़्यादा हो सकती है, या फिर हाल फिलहाल में बारिश का असमान वितरण जो हमने देखा है उसको अगर देखा जाए, किसान कितना जागरूक इसको लेकर? देखिए, किसान जागरूकता कितनी है ये तो एक अलग सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये देश के सामने कि आज ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ है और उसका जो असर कृषि पे पड़ेगा उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय करे सरकार, सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम दुनिया के देशों की बात करते हैं तो पाठ तो हमको पढ़ाते हैं, लेकिन ओजोन लेयर को ज़्यादा बर्बाद करने के लिए विकसित राष्ट्र जिम्मेदार हैं, और अगर इसमें किसी ने सुधार किया है, विकसित राष्ट्रों में बात करें तो रशिया ने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके सुधार के कार्यक्रम शुरू किए हैं, क्योंकि मैंने तो आज से 11 साल पहले इसी दिल्ली में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक कार्यक्रम आयोजित कराया था, और तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका असर क्या होगा, हम दिख रहा है कि इसका असर नेगेटिव जाएगा। आज बिना मौसम के बरसात हो रही है, उत्तरी भारत के अंदर ओले भरमार पड़ रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है पूरी तरह से, सूखे पर उसका एक अलग टाइम शेड्यूल जो है फसल का उसमें अंतर आ रहा है। तो ये सब ऐसी चीजें होंगी जिनका अगर हमने समय रहते सुधार नहीं किया, सुधार की बात मैं करता हूं, हमने किया क्या? प्लांटेशन के नाम पे हमने पॉपुलर का कराया, प्लांटेशन के नाम पे हमने यूकलिप्टस का प्लांटेशन कराया, और उस प्लांटेशन करने का परिणाम ये हुआ कि जमीन के नीचे का जो भूजल स्तर था, जो जमीन में पानी था वो सोख लिया, उसमें अब पानी की भूजल स्तर को सुधार करने की हम बात कर रहे हैं, तो जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए, उद्योगीकरण से जितना नुकसान हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की आज जरूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कृष्णवीर जी, औद्योगिकरण और खेती, किसान को लगता है कि शायद ये बिल्कुल एक अलग क्षेत्र है, और हमारी जो खेती है या हमारा जो खेत है वहाँ पर इसका इतना असर नहीं हो सकता, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल, ये एक तो हमको अपने नदियों को जो है ना, सबसे पहली जरूरत इस देश के नदियों को बचाने की है। दुनिया के तमाम विकसित देशों की नदियों को आप देखिए, मुझे तो बहुत बार देखने का मौका मिलता है, बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है, आप बिना किसी फिल्टर के उसके पानी को पिएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि सारा पॉल्यूशन, जितना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो उसमें डाला जाता है, जितना कस्बों का शहरों का सीवरेज है वो उसमें डाला जाता है, तो ये तो अपराध हम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको जो जीवन की रेखा है जल, उसको ही बचा लें हम। आप यमुना की बात करिए, आपके एनसीआर में हिंडन नदी की बात करिए, यहाँ से जितनी नहरें निकाली हैं उन सब की जो दुर्गति हो रही है उसके लिए पूरा इंडस्ट्रियल, पूरे देश का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो नदियों को बर्बाद कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। आधारभूत ढांचा हमें बदलना होगा। पानी सीपेज होके नीचे जा रहा है, उसमें जहर जा रहा है, जो पशु पानी पी रहे हैं वो जहरीला पानी पी रहे हैं, आदमी पानी पी रहे हैं जहरीला पानी पी रहे हैं, तो ये सारा प्रदूषित एक वातावरण जो कर दिया गया है, विकास के नाम पर विनाश का जो इतिहास हमने लिखा है, इसमें सबसे पहले हमें सुधार की आवश्यकता। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि इसमें सुधार किया जाए, और उसके लिए विकल्प अब हम मान सकते हैं कि हमारे सामने आने लगे हैं। पेरिस समझौते में भी इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह के विकल्प जो हैं हमारे सामने हैं और हमें किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना होगा। यहाँ डॉक्टर मनीष आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो असर है अलग अलग गैसेस का या ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम देखते हैं, उनका जो असर हमारी खेती पर पड़ता है, फसलों पर पड़ता है, क्या उसके अनुरूप अब हम मान सकते हैं कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो असर है वो कम से कम हो सके और किसान को वही उपज जो है, वही गुणवत्ता जो है मिल सके? जी बिल्कुल, बहुत प्रयास कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे संस्थानें जुड़े हुए हैं इस कोशिश में कि पहले तो समझ ले कि हम ये इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा, हमारा जो प्रयोग में पता चला कि एक तो फसल का अगर मान लीजिए तापमान बढ़ गया तो फसल तेजी से अपना टाइम में से पहले ही उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। इसका मतलब ये हुआ आपका फसल का जो उत्पादकता होना था वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि
जब बीच में या तो ज़्यादा सूखा पड़ गया तो पानी नहीं दे सकते जी। पानी का प्रबंधन करना पड़ेगा, या तो बहुत तेजी से बरसात हो गई जी। मतलब जैसे पहले फसल जब छोटी है उस समय, या तो जब उसका फ्लावरिंग हो रहा है उस समय, या तो जब वो कटने वाली है उस समय। हम तो बुंदेलखंड में भी देखा है और मध्य प्रदेश में भी देखा है, बहुत सारे जो पल्सेस में जी वो कटने वाले हैं, फसल कड़ी है लेकिन वो बरसात इतना हो रहा है कि वो कटने का मौका ही नहीं हो रहा है और वहीं अपना उसमें जम जा रहा है। तो ये सब प्रतिकूल प्रभाव तो अभी आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं इसका। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमारे अनुसंधान में ये पाया जा रहा है कि कुछ किस्म ऐसे विकसित किया जाए कि जहाँ इनका ओवरकम करे, हम लोग इसका टॉलरेंस निकाले, मल्टीपल टॉलरेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस की वेराइटीज़ जो है वो एक है। और दूसरी बात यह है कि नए नए तरीके का रोग आ रहा है जी। या तो डिसीजेस आ रहा है, कीट आ रहा है, या तो छोटे पहले कम नुकसान करता था, आप ज़्यादा नुकसान करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कीटों को या ये डिसीजों को पहले, ये जो मौसम पहले था उसको प्रतिरूप में उसके उसको मौसम प्रतिकूल रहने लगा है। वो पहले प्रतिकूल था उनके लिए, अब अनुकूल हो गया उनके लिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बेहद ज़रूरी है कि जो मौसम पहले हमारी फसलों के लिए अनुकूल माना जाता था, वही अब कहीं ना कहीं जो इसमें आने वाली समस्याएं हैं, रोग हैं, कीट हैं, उनके लिए अनुकूल होता जा रहा है। और इस पूरे अगर हम देखें, पूरे ढांचे को देखें, कहीं ना कहीं अनिरुद्ध जी आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, उस पर इसका विपरीत असर आने वाले समय में और ज़्यादा हमें देखने को मिल सकेगा? बिल्कुल, इसके तो पूरे आसार हैं, क्योंकि ये सब पूरी ये एक ऐसा संकट है जिसका पूरे अस्तित्व, मानव अस्तित्व पर ही इसका असर है। मैं अगर यहाँ से बात शुरू करूँ कि अभी जैसे जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद उसको छोड़ने वाले जो राष्ट्र बना, उसमें अमेरिका ने सबसे पहला उसी ने अपनी तरफ से बोला कि हम इसको मानेंगे नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो एक ऐसा राष्ट्र था जो एक विकसित देश एक, में हाँ विकसित देश होते हुए जिसकी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी, उसने सबसे पहले उससे अपना हाथ पिंड छुड़ाया। तो अब था कि भारत जैसे देश तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ही रहे हैं। मैं एक उसके तौर पर बोलूं कि हमने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तमाम अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत कहा था कि हम 33-35% तक अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, तो अभी मौजूदा हालत ही ये है कि हम लगभग 22% तक शायद पहुंच चुके हैं, 20-22% तक कि हमने कम किया है जी। इसके अलावा कृषि के मामले में जो कि उसके असर के तौर पर हम देखते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले मौके पर भी बोला कि या तो सूखा पड़ रहा है या बहुत बारिश हो रही है, तो दरअसल किसान तक वो सूचना पहुंचाए जाने की या उसको वो पूर्वानुमान दिए जाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ये समझ पाए कि मुझे किस वक्त अपने समय का सही सदुपयोग करना है। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विकल्प जो हैं वो तो सुझा दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, लेकिन जैसा कि अभी अनिरुद्ध जी ने कहा कि एक लंबा सफ़र जो है वो तय करना है। और सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए, क्योंकि खेती में हम देख सकते हैं, अगर मोटर की हम बात करते हैं वो सौर ऊर्जा से चल रही है, अलग अलग जो काम है हम चाहें सौर ऊर्जा से कर सकते हैं जी। लेकिन इस बात की जानकारी किसान को हो और इस तरह के नए उपकरणों को अगर हम माने कि किसानों को उपलब्ध हो जाएं, तो काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं यहाँ भी फायदा होगा इसका जी। मुकुल जी, आपने सही कहा कि जो भारत का जो नेतृत्व है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो सोलर अलायंस के मुखिया हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाया है कि हमको अपनी 40% ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करनी है जी। दूसरी बात, उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला। तो ये कैसे है कि अब हमारे विश्व में हमको लोग मानने लगे हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत जो है मतलब 5वें नंबर का देश है जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। तो इस तरीके से प्रयास चल रहे हैं। रही बात कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर में प्रयोग करें, तो उसमें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं वो बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट विकसित किए हैं जो सोलर ऊर्जा से चल रहे हैं जी। चाहे वो पंप हो, सोलर पंप बहुत प्रचलित हो रहे हैं देश के कई हिस्सों में। तो इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि आने वाले समय में जैसे अनुरोध जी ने बताया कि हमको अपनी 40% ऊर्जा का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे करना पड़ेगा जी। बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें हमारे देश ने
एक उसमें बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जी, हम सारे देश स्वेच्छा से आगे आए हैं कि भाई हम इतने परसेंट कम करेंगे 2005 के स्तर से, हम 35% खुद कम करेंगे जी। तो ऐसी सारे देश आगे आ रहे हैं उसमें, और भारत के जो उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं, सभी लोग इसको सराह रहे हैं कि भाई हम इस सही दिशा में जा रहे हैं जी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सभी देशों को मिलकर आगे आना पड़ेगा, अन्यथा इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व की ये जिम्मेदारी है कि इस पर लगातार जो काम है वो किया जाए। अलग अलग स्तर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हर किसी को जागरूक किया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन जो है इसका खतरा कैसे धीरे धीरे बढ़ सकता है, और खासतौर से कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो एक लक्ष्य ये भी रखा गया कि 2050 तक इसको शून्य हम कर लें। लक्ष्य काफ़ी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, और इस दिशा में आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनका कैसे हम सामना करेंगे, साथ ही हमारे जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, किस तरीके से वो इस खतरे को अपने स्तर पर कम कर सकेंगे, क्या वो दिशा होगी, इस पर हम जानकारी लेंगे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे। लेकिन फिलहाल वाद संवाद में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत वाद संवाद में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं खेती और जलवायु परिवर्तन। ब्रेक पे जाने से पहले जाना आपने किस तरीके से अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हर किसी को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब बात आती है खेती की, अलग अलग फसलों की, तो क्या हमारे जो अन्नदाता हैं, क्योंकि उनका अनुभव जो है वो उनको लगातार जागरूक करता रहता है, लेकिन क्या वहाँ अभी आवश्यकता है कि जो चुनौतियाँ उनके सामने आएंगी उनसे वो कैसे पार पा सकेंगे, इस बारे में कृष्णवीर जी आपसे हम समझना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि जो समस्या है वो बड़ी विकराल है, लेकिन सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, जो दूसरे क्षेत्र हैं उनका काफ़ी इसमें हम मान सकते हैं बड़ा योगदान जो है उनका नज़र आता है, लेकिन जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे और जो चुनौतियाँ हैं उनसे हम पार पा सकेंगे इनका। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जिस तरीके से, वो देश में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी का प्रयोग जो है कृषि के क्षेत्र में शुरू करवाया है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत हैं सरकारें कि सोलर एनर्जी का ही कृषि के क्षेत्र में जितना प्रयोग है किसान ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। और ये दिनेश जी सही कह रहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो कृषि की मशीनरियां हैं, उनका पंप को तो सबसे ज़्यादा शुरू किया सिंचाई के पंपिंग से, उसमें जो है कि सोलर पंप्स का प्रयोग जो ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखिए एक उदाहरण अभी ताज़ा हमारे सामने है, देश की जनता तो सरकार को कोसने लगती है, प्याज के मामले का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके सामने। पहला उदाहरण ऐसा है कि जब महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेमौसम बरसात हुई और जब किसान ने प्याज की बुआई कर दी थी तो उस बरसात से पूरा बुआई के बाद वो फसल बर्बाद हो गई, पहला नुकसान हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ये तो उसका परिणाम ये है, कुछ परिणाम उसका देखें तो 25-30% जो है उत्पादन में कमी हुई इस बात से। ये मौसम का असर है, जबकि प्याज कोई जीवन की रेखा नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर प्याज जैसी चीज से देश में इस तरीके से लोग सोचते हैं, यानी ये मौसम का असर हम मान सकते हैं, मौसम का ही असर है। बेमौसम की बरसात से प्याज की बुआई के बाद और वो मौसम जो है बरसात जो है महीनों तक बराबर पड़ती रही, वो सड़ गई फसल जो खेत में जो बुआई करी गई, तो किसान का नुकसान हुआ। पहला नुकसान तो किसान का हुआ कि जो उसने बुआई में खर्चा करा, उसकी पौध नर्सरी तैयार करके बोई, उसमें खाद लगाया, उसमें सारा कुछ खर्चा किया, यानी असामान्य वितरण जो बारिश का रहा उसका असर मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ चढ़ कर, जो कार्बन उत्सर्जन की जो बात हम कर रहे हैं जी। आप चूंकि बीच में दूसरा सवाल आपने ले लिया, भारत ने पिछले 5 वर्षों के अंदर उसको बड़े पैमाने पर शुरुआत की, और पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो भारत बहुत ही प्रगतिशील तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें सुधार की और जो है अपनी भागीदारी निभा रहा। और ये सही कहा आपने कि अमेरिका छोड़ के भाग लिया, भागा तो इसलिए ना कि सबसे ज्यादा अपराध भी तो उन्होंने किया
जो सबसे बड़ा अपराधी है वो कह रहा है कि मैं समझौते को नहीं मानूंगा, मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब सुधार जो करना है तो दुनिया के तमाम विकासशील देशों के गले में आ गया है, सारा जिम्मा जो है विकासशील देशों का है, तो जिसमें भारत जो है नेतृत्व कर रहा है और प्रधानमंत्री जी तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर ईमानदारी के साथ और दुनिया को उन्होंने दिखाया है, इसीलिए तो उनको सम्मानित किया गया, जो है अवार्ड जो दिया गया इसलिए दिया गया कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है ऐतिहासिक कार्य जो किए गए हैं और सोलर के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रगतिशील कार्य जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और उसी की वजह यह है कि जो हमारा बिजली के उत्पादन में हिस्सेदारी थी सौर ऊर्जा की वो आज बहुत बड़े पैमाने पर हो गई। सरकार की योजना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भागीदारी जो है ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी जो है हम प्रयोग करें, यानी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जो है उसके उन पर हम ज़्यादा जाना, तमाम आर्थिक सहायता जी, तमाम तरीके की सरकार जो है सब्सिडीज उस क्षेत्र में दे रही है जी, बिल्कुल। मेरा एक इसी में निवेदन है कार्यक्रम के माध्यम से कि जहाँ बिजली है वहां तो सोलर को हम सब्सिडी कृषि के क्षेत्र में दे रहे हैं, जहां बिजली नहीं है वहां भी देनी जरूरत है, जहां नहीं है वहां सबसे पहले जरूरत है। मुझे अपने अफसरों को ये सोच में दुख होता है कि भैया जहां बिजली है वहां तो सब्सिडी करा रहे हो, वहां भी करवा दो थोड़ा सा। चलिए, सुझाव अच्छा आपका, और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन क्षेत्रों में भी लगातार जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो खेती और जलवायु परिवर्तन, इसका सीधे तौर पर जो असर हमारी फसलों पर पड़ रहा है, अलग तरह की जो गैसेज हैं जो वातावरण में लगातार हैं उनके असर से फसलें जो हैं उनकी उपज क्षमता कम हो जाती है, गुणवत्ता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ रखनेश अगर खासतौर से देखा जाए, बारिश के असमान वितरण की हमने बात करी, बाढ़ की भी स्थिति हमने देखी, लेकिन सूखा अगर देखा जाए, क्योंकि साल 2018 जो रहा वो अब तक का सबसे गर्म साल माना गया अगर खासतौर से देखें, और इस श्रेणी में लगभग पिछले 4 साल जो रहे 2015 से लेकर 2018 तक वो काफ़ी गर्म सालों में उनकी गिनती की गई, इसका सीधा असर हमने देखा शायद हमारे अगर देश की बात की जाए, हमारे देश में उतना समझ नहीं पाए इसका असर किस तरीके से हो रहा है हमारे कृषि क्षेत्र पर, लेकिन दूसरे देशों की अगर बात की जाए, लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी यहाँ आवश्यकता है इस तरह की जागरूकता अभियान की? तो मैं 2-3 चीज़ में रखना चाहता हूँ। एक तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की हमारा जो एक बड़ा पैमान पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जी, तो ये इसके अंदर में तरीके तरीके का टेक्नोलॉजी जो है फार्मर तक पहुंचाया जा रहा है जो अभी है और नया विकसित भी हो रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि एक तो किसान का प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उनका इनकम भी बढ़ाया जाए जी। तो एक तो जब उत्पादकता ज़्यादा होती है तो इनकम ज़्यादा आने का कोई गारंटी नहीं होती है जी। लेकिन इसमें ये एक कॉन्सेप्ट में ही ये है कि आपको दोनों को बढ़ावा देना जरूरी है, इसीलिए दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए गवर्नमेंट में भी अभी एक 1.5 टाइम्स का जो अभी मतलब MSP कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एक इसी का एक पहलू है। और दूसरी बात होती है कि किसानों की जो क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाना है, क्लाइमेट रेजिलियंस हम लोगों का जो प्रयोग या हमारा जो अनुसंधान से ये पता चला है कि आगे जाके भारत में जैसे आपका रबी मौसम का जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है एज़ कम्पेयर टू द खरीफ के मौसम से जी। फिर दूसरी बात यह है कि आपका रबी मौसम में जो अभी बरसात भी ऐसे आएगा, आना जरूरी है, थोड़ा बहुत अच्छी टाइम पे आ जाए अच्छी है, फसल को फ़ायदा भी होती है, लेकिन अब हम देखे भी है 15 में गेहूँ बहुत मतलब खड़ी थी, उसको कटना था, लेकिन इतना बरसात हो गया, इतना हवा चल गए कि पूरा गेहूँ बह गया, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सब के लिए हमारा जो तकनीकी जो भी है वो सबको जैसे आपका रेज्ड बेड मेथड है, और दूसरी बात है स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ जी। तीसरी बात है जैसे अभी गवर्नमेंट ने पूरा हमारे यूरिया जो नीम कोटेड यूरिया, अब तो ऑर्डिनरी यूरिया तो मिलती नहीं है बाजार में जी, बिल्कुल। तो उससे बहुत एक दो चीज़ों की फ़ायदा किसानों को होती है और हमारे जो भारत मतलब देश के लिए भी फ़ायदा ये है। एक तो
जो यूज़ एफिशिएंसी है, फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है जी। जो नुकसान होता था यूरिया अप्लाई करने के बाद, वो नुकसान नहीं होती है, वो तो उड़ जाता है, तो या तो पानी से नीचे चले जाता है, तो वो एक रुक गया। दूसरी बात है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड जो ज़्यादा हो जाती थी, वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी 310 गुना वो ज़्यादा तापमान को बढ़ा देती है जी, बिल्कुल। तो वो भी कम हो गया, तो इसका मतलब हुआ आपका दोनों, और किसान को थोड़ा कम यूरिया डालने पे ही उनको उतना पैदावार भी आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने कोशिश की कि वो कम हो जाए, लेकिन इसके असर की बात की जाए डॉक्टर दिनेश, वो किस तरह का आप देखते हैं? क्योंकि एक साधारण तौर पर अगर हम किसान को बोलें कि यूरिया आपको कम मात्रा में डालना है, तो शायद उनको लगेगा कि जो उत्पादन है उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके जरिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो निकल रही है उसका कितना खतरा हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, इसको जानना भी बेहद ज़रूरी, और किस तरीके से और तकनीकें अब हम लगातार विकसित कर रहे हैं अपने कृषि क्षेत्र में। जी, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं जी। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति आए, लेकिन कृषि अपने उन झटकों को सहन करके फिर से अपनी उसी दिशा में आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट। जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो दबती है लेकिन फिर से उसी स्थिति में आ जाती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर को इस तरह से डेवलप करना है कि कोई जलवायु परिवर्तन होगा उसमें हम हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपनी खेती में ऐसे अनुकूल परिवर्तन करें जिससे हम उसके खतरों से लड़ सकें। रही बात ये कि जो यूरिया है, जैसे हमारी सरकार ने नीम लेपित यूरिया कर दिया है, आज पूरे विश्व में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो जैसे बताया कि लगभग 45% या 50% यूरिया सिर्फ पौधे ले पाते हैं और बाकी वेस्ट चला जाता है जी। तो पूरे विश्व में लगभग $2 अरब का जो यूरिया है वो बेकार चला जाता है, तो उसको 2030 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया है जी। तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, उसी तरह से नाइट्रोजन पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे विश्व में उभर के सामने आ रहा है। अभी 24 अक्टूबर को कोलंबो डिक्लेरेशन किया गया, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसका यही लक्ष्य था कि किस तरह से हम नाइट्रोजन की खपत, यूरिया की खपत को कम करें, यूरिया के दुष्प्रभाव से हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाएं। जैसा कि बताया कि वो पानी में रिस के चला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। ऐसी आजकल हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हम अपनी कृषि को कैसे जलवायु दक्ष बनाएं, उसके लिए हमको लीफ कलर चार्ट है, हमारे पास एक चार्ट होता है 25-30 रुपए का आता है, हर जगह उपलब्ध है, उसको देख के पत्ती के रंग से मिला के आपको यूरिया डालना है। ये नहीं है कि अगर राम सिंह ने 2 कट्टे डाले तो मैं भी 4 कट्टे डालूंगा, ये नहीं है, देखा देखी नहीं, उसको आप देखिए लीफ कलर चार्ट में, उसके पत्ती का रंग देखिए, उससे डालिए। यहाँ अनिरुद्ध जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो तकनीकी है वो लगातार हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, लेकिन इसके जब बात की जाती है इसको, इसके क्रियान्वयन की, वो आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना क्रियान्वयन अभी आपको लगता है हुआ है और आने वाले समय में आवश्यकता इसकी नज़र आती है? खासकर जब केवल आप कृषि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला उसका जो स्टेक होल्डर है, वो प्रमुख स्टेक होल्डर उसका किसान जो अन्नदाता है, उसके पास तक हमको सही सही सूचना पहुँचानी है। जैसे कि बहुत सारे और बातों की बात हुई कि जैसे उन्होंने सॉइल कार्ड की बात की कि उसके पास ऐसा है, तो अभी भारत के सभी किसानों तक वो नहीं पहुंच पाया, पिछले कई वर्षों से इसका प्रयास चल रहा है। इसी तरह से हम मौसम की जानकारी देने वाली, मतलब कृषि का तो सबसे बड़ा संबंध मौसम से ही है, लेकिन अब सुपर कंप्यूटर हमारे पास है, कोशिश की जाती है जल्दी से जानकारी पहुंच जाए। अभी भी हम करीब 2 करोड़ किसान के आसपास को SMS पर ये जानकारी दे पा रहे हैं कि उनको मौसम का पूर्वानुमान लगभग 5 दिन का और 7 दिन का भी ऐसा हम दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पूरे हमारे जो पूरे भारत के समस्त किसान हैं उनके पास तक ये सूचना पहुंचे, क्योंकि उसी के मुताबिक वो फैसले ले पाएंगे। बिल्कुल, कोशिशें देखिए लगातार जा रही हैं कि किस तरीके से जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए जी। अनिल जी, और बाकी जिस तरह की हमने और बातें की उसमें मुझे एक इससे इतर एक बात समझ में आती है कि हम चूंकि बात तो जलवायु परिवर्तन की हम कर रहे हैं, तो उससे जुड़े कोई भी फैसला जब सरकार ले तो अब उसमें किसी खर्चे के बारीकी पर न जाए कि हमें ये खर्चे ऐसे करने भी चाहिए कि नहीं, कि हमको उसके क्या अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। अब तो दरअसल इसको इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि ये पूरे अस्तित्व पर ही खतरा है, मतलब पूरे मानव जाति पर ही। मान लीजिए कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के स्तर तक नहीं पहुंचे। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब हम जितना कार्बन वातावरण में छोड़ रहे हैं, या दूसरी तरह से कहना चाहिए कि हम जितना कार्बन अवशोषित कर सकते हैं उतना ही हम वातावरण में छोड़ें। तो अगर हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे
तो इसका मतलब है कि तापमान तो बढ़ेगा ही, तापमान बढ़ेगा ही तो उसका केवल खेत पर नहीं पूरे अस्तित्व पर खतरा है और असर पड़ेगा। तो हमें उसके लिए जो जो प्रयास करने और वो अब जैसा कि समझ में भी आया है कि हम मतलब भारत जैसे देश जिनकी कि अब पूरे विश्व के नेतृत्व की जिन पर अब जिम्मेदारी एक तरह से आ गई है जी। तो उनको अब इस दिशा में ज़्यादा सोचना है क्योंकि जो बड़े देश हैं जिनने इसको बहुत ही खतरे के मुकाम तक पहुंचा दिया वो सब इसके अब हिस्सेदार नहीं बनना चाहते क्योंकि उनको इस पर उनके असर से भी वो अपने आप को दूर मानते हैं। दरअसल इससे हो ये रहा है कि थोड़ा सर्दियां छोटी हो रही हैं गर्मी बढ़ रही है जी। तो जिन देशों जो जो सर्दी वाले देश थे उनके अगर कुछ आगने वाले अगर एक शताब्दी तक भी अगर तापमान बढ़ेगा भी तो वो उनके और अनुकूल स्थितियां पैदा होंगी जी। और बल्कि हमारे यहाँ स्थिति बदतर होगी तो हमें अपने बारे में ज्यादा सोचना है। हालांकि ये बात तय है कि ये एक साझा इस पर फैसले लेने होंगे, साझा जिम्मेदारी हम हाँ, इसको मान सकते हैं, पूरे दुनिया की साझा जिम्मेदारी है क्योंकि केवल वायुमंडल जब बदल रहा है तो वो केवल भारत के लिए नहीं बदल रहा, वो पूरे पृथ्वी के लिए बदल रहा है। बिल्कुल, और इस सामूहिक जिम्मेदारी के लिए देखिए जो जैसा कि अनिरुद्ध जी ने कहा कि विश्व पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत यानी हमारा देश जो है वो नेतृत्व करता है, और खासतौर से जब जलवायु परिवर्तन की भी बात आती है, जैसा कि कृष्णवीर जी ने कहा कि जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं या उसके इस्तेमाल की बात करते हैं या कार्बन उत्सर्जन जो हमने कम किया है एक सराहनीय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए सराहनीय कदम हमारे देश का ये नज़र आता है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए कृष्णवीर जी, जो चुनौतियाँ तो जाहिर तौर पर हमारे सामने हैं, लेकिन बतौर किसान, क्योंकि अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, वर्षा जल संरक्षण की बात करते हैं, स्प्रिंकलर के उपयोग की हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए शायद हम पानी की बचत कर सकते हैं। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि अब सिर्फ देश में दो ही मौसम रह गए हैं, एक सर्दी एक गर्मी, जो बारिश है वो ना के बराबर है, लेकिन कहीं कहीं पर बाढ़ की भी स्थिति होती है। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि जो वर्षा जल संरक्षण है या पानी को बचाने की मुहिम है, इस तरह के उपाय अगर किसान अपनाएं तो बेहतर रहेगा? देखिए मुकुल जी, इसमें तीन चार बातें सरकार ने की हैं, दिनेश जी ने कहा है, बात सही है। सबसे पहले जो सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की गई वो इसलिए की गई कि जो यूरिया का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा था उसको रोकने के लिए सरकार का ये प्रयास है, और उस प्रयास के परिणाम भी आज देश के सामने हैं। यूरिया का अब प्रयोग जो है किसानों ने जो है आवश्यकता के अनुरूप करना शुरू किया है। अब ये दिनेश जी सही कह रहे थे, ग्रीन लीफ कार्ड जो है उससे आप मैचिंग करके आप देख सकते हैं कि यूरिया की जरूरत है भी या नहीं है। क्लोरो जो सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस है उससे उसका सीधा संबंध है। नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं वो यूरिया ही उसकी देन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अकेले यूरिया ने, लेकिन अब यूरिया का प्रयोग में कमी आई है, पहली बात ये सरकार इसमें कामयाब हुई है। दूसरी बात, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर जो आर्थिक मदद देनी शुरू की है किसानों को, बहुत बड़े पैमाने पर जो है सरकार ने इस तरफ सराहनीय कार्य किया है इरिगेशन में सूक्ष्म। तीसरी बात, जो पानी की बात, पानी के संचय की बात है, सरकार ने विशेष योजनाओं की शुरुआत की है जल संचय के लिए कि कोई भी किसान भाई जो अपने खेत में पानी के लिए स्टोरेज टैंक बनाना चाहता सरकार उसमें आर्थिक मदद देने के लिए तत्पर है, हर जगह सरकार की योजना उसमें है। और तो और जो मनरेगा का योजना काम था उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने 2015-16 में शुरुआत किया था, 5 लाख वाटर बॉडीज एक ही साल के अंदर शुरुआत करवाई गई। आप देखिए ना, धीरे धीरे 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित एरिया जो है 17-18 में जो बढ़ा, ये सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज के समय हम बात करते हैं ना सिर्फ स्मार्ट फार्मिंग की बल्कि खासतौर से क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जो है वो अब हमारे देश में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जो कि श्रेणी में आते हैं जहां पर पूरी जागरूकता है, और उस गांव में हर संभव प्रयास किया जाता है कि कैसे भी ना सिर्फ हमारी जो कृषि है, जो फसल है वो अच्छी रहे, बल्कि इसके साथ साथ जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका इस बारे में क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ संवाद में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत वाद संवाद में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं खेती और जलवायु परिवर्तन और इस खतरे को जो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा है या जिसको और ज़्यादा अगर हम कहें कि समझ सकते हैं वो हैं हमारे अन्नदाता किसान, जिनके बीच में हम यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। इनकी क्या राय है इसको लेकर ये जानने की हम कोशिश करेंगे, किस तरह का अनुभव इनका रहता है कि जब जलवायु परिवर्तन की बात कही जाती है क्या किस तरीके से आने वाले समय में और कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको हमें अमल में लाना होगा और उसके जरिए काफ़ी फायदा जो है कृषि क्षेत्र में होगा बल्कि जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रह सकेगा। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम आप बता दें पहले। हम गाजियाबाद से हैं, महेंद्र चौधरी मेरा नाम है जी, और जनपद बुलंदशहर में मेरा कृषि क्षेत्र है जी। किस तरीके से आपको लगता है जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो कृषि क्षेत्र पर? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कृष्ण चौधरी जी का, जिन्होंने सौर ऊर्जा के लिए बोला कि जिन क्षेत्रों में किसानों पे ऊर्जा का संसाधन नहीं है जी, वहाँ पर इनके माध्यम से सरकार को ये मैसेज जाए कि जहाँ पे संसाधन है सरकार संसाधन मुहैया कराए जी। दूसरा सबसे बड़ी बात यही है कि जो सिर्फ देवी आपदा जो हो रही है, अनिश्चितकाल ये ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, बारिश की वजह से हो रही है, सबसे पहले इसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां भी शामिल हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। मैं जानना चाहूंगा दिनेश जी अनुरोध से, ये जानना चाह रहा हूं मैं कि इसमें क्या सरकार को कदम उठा रही है सरकार, किसानों क्या करना चाहिए कि जिससे नुकसान की वो भरपाई कर सके। चलिए बिल्कुल दिनेश जी, इस सुझाव भी आया, एक सवाल भी आपके लिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं ना सिर्फ जहाँ पर स्वच्छ पानी मिलना चाहिए था उस पानी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, मिट्टी की गुणवत्ता लगातार जा रही है जिसका सीधा असर हमारे फसल उपज पर भी पड़ता है जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी किसान भाई आए हैं उनको नमन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो हमको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं उनको हम अपने साथ ले जाते हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में उन पर शोध करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो चरम घटनाएँ हैं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा पड़ना, ये सब क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो इनमें इन घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि होगी जी। बार बार ये असमय बरसात होगी, जब फसल पकती है गेहूं की उस समय बारिश हो जाएगी, जब कहते हैं ना कि जब ग्रेन फिलिंग होती है, जब गेहूं का दाना बनता है, अगर उस समय 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है तो प्रति हेक्टेयर लगभग 400 से 500 किलोग्राम तक की कमी आ जाती है। तो इसी को लेकर हमारे शोध संस्थानों में कार्य हो रहा है कि ऐसी कौन सी वैरायटी बनाई जाए जो कि जो इस क्रांतिक तापमान को सहन कर सके। ऐसी हमारे संस्थान ने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई वैरायटीज बनाई हैं जो कि जिस जब फरवरी मार्च में टेम्परेचर बढ़ता है उसको सहन कर सके। और ऐसी कौन कौन सी हम सस्य क्रियाएँ अपनाएं, ऐसी कौन कौन सी हम प्रैक्टिसेस करें ताकि हम उसके असर को कम कर सकें, जैसे कि हल्की सिंचाई बार बार करना, अब पाले जैसे अभी पाले की संभावना होती है, पाले की संभावना से बचाना खेत को। तो ये जलवायु परिवर्तन के खतरों से हमारे किसानों के पास क्या है, अनुकूलन है। एक होता है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के दो हथियार हैं, एक तो है अनुकूलन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ये है कि जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम खत्म कर दें, वो किसान के पास नहीं है। सिर्फ किसान के पास ये है कि अनुकूलन, किस तरह से जो आपको ज्ञान मिल रहा है, जो सूचनाएँ मिल रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र से या पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो पूरे देश में संस्थान है वहाँ से आपको जानकारी मिल रही है। आज की जो खेती है वो ज्ञान आधारित खेती है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे समाज से कट के या ज्ञान के सूचनाओं से कट के खेती कर लें, नहीं। आज की तारीख में सबसे खेती क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किस तरह से आप जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको पता है कि कल बारिश होने की संभावना है और आज की जो भविष्यवाणी है वो 99% तक सटीक बैठती है, तो आपको अगर पेस्टिसाइड छिड़कना है तो आप उसके आधार पर, सूचना के आधार पर अपने निर्णय को ले सकें। यानी ये सारी सूचना जो है लगातार पहुंचाई जा रही है किसानों। एक और सबसे बड़ी बात है मार्केटिंग, अगर आपने सोना बोया, अगर उसकी उचित कीमत कौन सी बाजार में वो आपको पता होनी चाहिए। आजकल ई मंडी का कॉन्सेप्ट चल गया है, तो ये एक ऐसा विस्तृत जाल है जिसकी सहायता से अगर आपके पास सूचना सही समय पर सही स्थान से आ रही है तो आप बहुत हद तक इनसे मुकाबला कर सकते हैं। कुछ और भी जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी और उसका फिर क्रियान्वयन जो है उतना ही ज़रूरी हो जाता है। मैं चाहूँगा आप हमें बताएं क्या कहना चाहेंगे जलवायु परिवर्तन पर। सर ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि जलवायु परिवर्तन से किसान तो बहुत परेशान हो रहे हैं। कृषि में आप मिला के चले तो जैसे हमारे गेहूं का सीजन है, गेहूं में जो है बाली आने के बाद जो है उसमें दाना ही कम हो जाता है, छोटे छोटे दाने होते हैं जी। और मक्का की फसल ले लो तो मक्का में कई मक्का के दाने ऐसे हैं जो बाली जिसमें दाना ही नहीं होता, तो ये सब तो जो है जलवायु परिवर्तन का देन है और इसमें जो है किसान मारे जाते हैं। किसान को कोई चीज क्या लगता है आपको कैसे इस खतरे को कुछ हम रोकथाम कर सकते हैं?
हाँ रोकथाम कर सकते हैं जब इसके लिए प्रॉपर कदम उठाया जाए तो रुक सकता है जी। इनके लिए जो है बहुत सारे सर लोग बताए अभी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, दूषित पानी है, ये सब जो है सभी सब बंद होगा, उसके बाद ही होगा कुछ इस पर। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। इस बारे में यहाँ रत्नेश आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा हमारे जो किसान हैं उन्होंने कहा कि अब वो उसको महसूस कर रहे हैं, जो बारिश है वो कहीं ज़्यादा है तो उसका भी नुकसान है, खेतों में पानी खड़ा रह जाता है, जो फसलें हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। लेकिन क्या जैसा डॉक्टर दिनेश ने कहा कि अब इसके अनुकूल हमें जो फसलें हैं उनका चयन करना होगा, इस तरह की किस्में हमें लेनी होंगी, क्या इसके लिए आने वाले समय किया जाएगा जिससे सारी जानकारी किसानों तक उपलब्ध हो? जी अभी हमारे अनुसंधान संस्थान में भी और जगह जगह भी इसका विकसित किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन होते हुए भी हमें अच्छा फसल काटना है, और इस फसल का ये भी है कि देखिए, एक दो कोई भी चीज़ हम एक जैसे पैसा है मान लीजिए एक डिब्बा में नहीं लगाएंगे, जो बोलते हैं ना कि एक जगह मत लगाइए, तो इसका मतलब है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रहा है। जैसे एक एग्रोफॉरेस्ट्री, एक ही फसल बार बार लेने पे फिर उसका एक तो पेस्ट एंड डिसीज जो कीट और रोग आता है वो भी ज़्यादा आता है, तो उसको ब्रेक करना है तो आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपका इनकम भी अलग अलग सोर्सेस से आएगा। ये दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी पानी है, जल, जमीन और जंगल, तीनों को बचाना चाहिए। और जमीन को बचाना है तो बहुत ज़रूरी है, अगर खेती को आगे बढ़ाना है तो। जमीन कैसे बचाया जाता है, उसमें उसका जो हमें अभी जैसे जलाते हैं उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको जमीन के अंदर ही अगर हम लोग डाल दिया, या तो जीरो टिल हुआ, अभी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है, ये सब अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज विकसित तो है, अब ये सब किसान अपनाए, पहले देखे, अपने आप देखे। और ये देखने के लिए जैसे निकरा के अंदर 151 जिलों में डिफरेंट क्लस्टर्स बनाया, तो कि टेक्नोलॉजी जो भी है ये सब किसान खुद देखे। हमारे साथ जो महिला किसान हैं वो भी यहाँ कुछ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेंगे। मैं चाहूँगा अपना नाम आप बता दें हमें। जी, मेरा नाम परमजीत है जी, और दिल्ली से हैं हम भी। लेकिन हमारे सामने जो मेन समस्या है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही, जो कि किसानों को इतना नुकसान सहना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही नागरिक हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे और जलवायु को सीमित करेंगे, उसी के हिसाब से ही हम किसानों के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक यही जरिया है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खेती को और इम्प्रूव करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एरिए में टीवीज़ वगैरह या फिर रेडियो वगैरह मुहैया हों। बहुत ही अलग अलग माध्यम हमें चुनने होंगे। जी बिल्कुल जी, इस बात से आप कितनी सहमत है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हमें खुद से करनी होगी? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही हमें करना चाहिए कि किसानों के साथ हमारे क्या कैसे वो है कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए और किस मौसम के अकॉर्डिंग काम करना है वो भी उनको देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो किसान हैं ना सिर्फ पूरे जागरूक बल्कि कश्मीर जी, एक सुझाव के तौर पर अगर देखा जाए ये बात काफ़ी बेहतर, और जो हमारा किसान है काफ़ी उनको भोला माना जाता है, हैं भी भोले, उन्होंने खुद इस बात को माना कि कहीं ना कहीं शुरुआत शायद अगर हम खुद से करेंगे, अगर परेशानी हमारी वजह से शुरू हुई है तो शायद ख़त्म भी हम कर सकते हैं, विकल्प उसका हमारे पास है, लेकिन पहल हमें खुद करनी होगी, दूसरे पर जिम्मेदारी थोपें उससे पहले शुरुआत हम खुद करें तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, किसानों ने प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि की शुरुआत अब बड़े पैमाने पर की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी है, निर्यात अगर हम बात करें तो, और सरकार का तो विशेष रूप से दबाव है कि हम जो है आने वाले 4 साल के अंदर जो निर्यात है कृषि का उसको 2 गुना करने के लिए विशेष योजना सरकार ने एक प्लान तैयार किया है जी। अभी आप छोटा सा उदाहरण आप दे लीजिए कि खेत के पास में जो लो एरिया में पौंड बनाया, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने मछली पालन शुरू कर दिया जी बिल्कुल। ये एडिशनल इनकम जो आप सही कह रहे थे कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं ना उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक अतिरिक्त आय का संसाधन जो हुआ है कि पानी भी आपने उपलब्ध करा लिया है और उसमें आपने मछली पालन शुरू किया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ महाराष्ट्र का, जिस तरीके से मराठवाड़ा की हालात सूखे के हुए
और अब जिस तरीके से बरसात हुई वहां की स्थिति खराब हुई। मैं आपको स्थिति बता रहा हूं बेलगांव की, जो गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर है, पहली बार पिछले कई दशकों से इतनी बरसात नहीं हुई जितनी इस बार बेलगांव के कमिश्नरी उस एरिया में हुई है, बे इंतहा बारी, बहुत नुकसान हुआ। तो इससे सीख मिली है, सीख ये मिली है कि हमको सुधार करना पड़ेगा। और मैं पूरी तरह एक बात से सहमत हूँ कि जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम शुरू किया गया था उसका नुकसान हो रहा है, किसान भाइयों को खुद ही जो है उसको डाइवर्सिफिकेशन में आना पड़ेगा जी। हमारी गलती ये रही कि हमने आज तक देश में जिला स्तर पर कोई ऐसी योजनाओं को नहीं दिया किसानों के बीच में कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इतने सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं, ये हमारी आवश्यकता है, ये फसलें हमको जो है इतने इतने एरिया में करनी चाहिए। कुछ एरिया में शुरुआत की थी, जैसे महाराष्ट्र में शुरुआत करी गई थी कि आप इससे ज़्यादा गन्ने की खेती नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश में हमको प्लान करना पड़ेगा। और जब तक हम प्लान नहीं करेंगे हमें दिक्कत होगी। तो हमें जिला स्तर पर फसलों की, विभिन्न फसलों में डाइवर्सिफिकेशन के लिए योजना बनानी पड़ेगी, तो अच्छे रास्ते पे हम चलेंगे। और सरकार इस ओर बहुत तेजी से काम कर रही है, बिल्कुल लगातार सरकार जो है इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। अनिरुद्ध जी, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कृष्णवीर जी ने कहा कि जिला स्तर पर हमें इस तरह की योजनाएं जो है वो लागू करनी होंगी, योजनाएं हमारे पास हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन काफी अहम हो जाता है। इसमें अभी जो इन्होंने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, दरअसल हम हाल के दिनों में जिस तरह से वायु प्रदूषण को लेकर भी परेशान हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी समस्या में हम उसमें एक फैक्टर मानते हैं पराली जलाने को। तो अब सवाल उठता है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, मतलब एक जो किसान है वो अपने फसल, पिछली वाली फसल की जो अवशेष है वो केवल इसलिए जला दे रहा है क्योंकि उसे नए फसल की तैयारी करनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक तरफ तो उससे कह रहे हैं कि तुम डाइवर्सिफिकेशन करो और उसके पास कोई उपाय नहीं है तो वो ऐसे उपाय कर लेता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो आगे बढ़ के कुछ ऐसी पहल करे या ऐसी सुविधाएं दे कि उन्हें इसके बगैर डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल जाए। जी कृष्णवीर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सरकार ने अनिरुद्ध जी अभी पावर जनरेशन के लिए, पराली से पावर जनरेशन के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है, उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उसको हार्वेस्ट कराना है और उसको बंडल बना के उस प्रोजेक्ट के लिए जो शुरू किया उसे बायोफ्यूल जो है उसे तैयार करने की योजना सरकार ने शुरू जी तमाम तकनीक दिनेश जी अब हमारे पास है इस तरह की। जी जैसा कि अनुज जी ने बताया कि जो पराली का प्रबंधन है एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार ने इसमें पिछले वर्ष भी लगभग 1100 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया था। तो इसमें क्लस्टर हायरिंग सेंटर बनाए गए कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो छोटा किसान नहीं खरीद सकता, तो क्लस्टर हायरिंग सेंटर बनाए हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, किसान उसको ले सकते हैं और उसको वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इस पे बहुत ही, जैसे सर ने बताया कि जो पराली है उससे बिजली बनाने की परियोजना चल रही है, तो ये इतना अधिक इसकी मात्रा होती है उसको एक तरीके से हम नहीं कर सकते, उससे हमको कंपोस्टिंग करनी है, उससे हमको सीएनजी बनानी है, उससे मशरूम कल्टीवेशन करना है, उसको एनर्जी में करना है, तभी हम इससे कर सकते हैं। और इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तो जाना आपने अलग अलग माध्यम जो हैं वो हमारे पास, और उस स्तर को देखते हुए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कोशिश यही कि एक ग्रामीण स्तर पर एक गांव में भी जाकर जो योजना वगैरह है उसकी जानकारी दी जाए। हमारे पास फसल अवशेष प्रबंधन या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पानी को बचाने के लिए जो अच्छी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, और ज़्यादा इनको प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान जो है वो काफ़ी इन पर ज़्यादा दिया गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन का जो खतरा अब हमारे सामने है उसको काफ़ी हद तक हम रोक सकें, क्योंकि खेती पर जिस तरह के असर आने वाले समय में जो संभावना जताई गई है, जो अंदेशा है वो काफ़ी विपरीत नज़र आएंगे, लेकिन उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर अभी से ही जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको तैयार रहना पड़ेगा। और उसके लिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अच्छी उन्नत जो किस्में हैं अलग अलग फसलों की वो तैयार की जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ सूखा की क्षमता जिनमें झेलने की हम मान सकते हैं क्षमता उनमें अधिक है, या फिर ज़्यादा पानी की क्षमता जो है उनमें अधिक है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अगर हमारी जो फसल है वो ठीक अगर हमारे किसान उपजा लेते हैं तो शायद काफ़ी हद तक जो खतरा है जलवायु परिवर्तन का उसको हम रोक सकेंगे, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार काफ़ी सराहना हमारे देश की जाती है जिस तरीके से नए विकल्पों का चयन हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है इसको ना सिर्फ रोक सकें बल्कि इसको मात भी दे सकें। आज के कार्यक्रम में हमने जाना खेती और जलवायु परिवर्तन जो उसका असर हमारे कृषि क्षेत्र पर है, कैसे हम उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं,
और इसके लिए क्या क्या उपाय हमें करने होंगे। चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन उनके पार जाकर भी एक विकल्प जो है वो हमारे पास एक सही दिशा नजर आती है। साथ ही आज हमारे कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ आप सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय और इतने अच्छे सुझाव इस कार्यक्रम में दिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो हमारे साथ किसान दूर दराज से आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग सवाल बल्कि सुझाव भी इस कार्यक्रम में आप सभी ने आपने दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो खतरा है इसको हम सभी समझ रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो अगला कदम है वो यही होगा कि इस खतरे को भांपते हुए जो तैयारी हमें करनी है इसकी रोकथाम की, वो हम जल्द ही शुरू कर दें, क्योंकि अब जो समय है वो उस खतरे से निपटने के लिए ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा है। सरकार की भी कोशिश यही है कि इस खतरे को हम जानें और इसके लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनको समय रहते अमल में लाएं, जिससे इसका फ़ायदा हमें मिल सके। फिलहाल अब वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे वास्तव संवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।